सुंदरता हमेशा अपने मूल रूप में ही अच्छी लगती है, लेकिन कई बार बाहर से सुंदर दिखने और दिखाने के लिए रंग और कई तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रंग से की गई सुंदरता पर पानी पड़ जाए तो उसका असली रूप सामने आ ही जाता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के विकास के दावे भी कुछ ऐसे ही हैं। फर्जी सोशल मीडिया, सोशल पोस्ट के जरिए विकास के बड़े बड़े दावे दिल्ली में बारिश होते ही सबके सामने आ जाते हैं। 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मौत का मामला चल ही रहा था कि 31 जुलाई को फिर से दिल्ली में झमाझम बारिश हुई और ओल्ड राजेंद्र नगर समेत दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी भर गया और मौतों का सिलसिला भी जारी रहा। 31 जुलाई की रात दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में एक महिला और एक बच्चे की नाले में डूबने से मौत हो गई। वहीं दिल्ली के ही संगम विहार में बिजली के खंभे से करंट लगने से 22 साल के रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहां के लोगों ने विभाग को लगातार चिट्ठी लिखकर सचेत किया था कि इलाके में कई बिजली के खंभों में करंट आता है, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपनी नाक बचाने के लिए सरकार ने देर रात 1 अगस्त को स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, मगर इसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई। सुबह टीचर्स और कई बच्चे बड़ी मुश्किल से जलभराव वाली सड़कों से होते हुए स्कूल पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि आज तो छुट्टी कर दी गई है। निर्लज्जता की सीमा तो तब पार हो जाती है जब सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका, मंत्री आपका, विधायक आपके, मेयर आपका, जल बोर्ड आपके हाथ में, पीडब्ल्यूडी विभाग आपके हाथ में, एमसीडी आपके हाथ में, फिर भी आम आदमी पार्टी इन सब के लिए बीजेपी को दोष देने लगती है। दिल्ली भले पानी पानी हो जाए, लोग नालों के पानी में डूब कर मर जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी और जेल में बंद इनके मुख्यमंत्री की आंखों में पानी नहीं आता। होती है तो सिर्फ राजनीति और दोषारोपण। खुद दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, दिल्ली के कई विधायकों और सांसदों के घर में भी पानी घुस जाता है, मगर बेशर्मी में डूबी दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी किसी की सुनने वाली है? भ्रष्टाचार करना, जेल जाना, फिर कोर्ट जाना, फिलहाल पूरी दिल्ली सरकार इसी में व्यस्त है।